हेलो दोस्तों, तो आज हमने GSW स्टील्स के नंबर देखने हैं। इस कंपनी के नंबर्स आए हैं आज, तो बेसिकली आते हैं स्क्रीन पे और नंबर्स में सबसे पहले चेक करेंगे कुछ डिविडेंड्स इस कंपनी ने अनाउंस किए हैं कि नहीं किए। तो बेसिकली अभी हम डिविडेंड के बारे में बाद में देखेंगे, तो सीधा हम नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। नंबर्स आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ इसको तो आई होप आप लोगों को विजिबल होगा ये नंबर। तो सबसे पहले आप देखोगे एक चीज़ कि टोटल इनकम कितना हुआ है इस क्वार्टर में। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे बेसिकली, थोड़ा सा जूम करके इधर कर दे रहा हूँ इसको, ओके। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे इस क्वार्टर के अंदर, तो बेसिकली जो आया है, दिस इज़ टोटल इनकम इज़ दिस कॉलम 1+2। 15,000 था पिछले साल, 15,423 करोड़, और इस साल हो गया है पिछले तिमाही में था 19,408, और दिस क्वार्टर इट बिकेम 24,593। तो इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स की तरफ ही कंपनी ने शो किए होंगे नंबर्स। प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए कंपनी जा सकती है प्रॉफिट्स में, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम इनकम जो है इनका अच्छा खासा हुआ है इस बार का, और अच्छी खासी जंप है रेवेन्यू में। और अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की इनकी, तो एक्सपेंसेस भी कंपनी में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपको पता है कि कंपनी स्टील की कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है, और बहुत सारे इनको कच्चे तेल कच्ची चीज़ें खरीदनी पड़ती है, उसके बाद बाकी ये चीज़ें बनाते हैं। तो अगर रेवेन्यू के बाद एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है इस साल। एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो दैट इज़ 18,000, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15,000 था, ईयर ऑन ईयर 13,000 था। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, फिर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं बढ़े, बट प्रॉफिट की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मतलब ये संकेत यही है कि हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रॉफिट। तो सबसे पहली चीज़ हम थोड़ा सा इसको ऊपर जूम कर लेते हैं, और एंड नाउ वी विल बेसिकली लुक एट द नंबर्स एज प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट में आते हैं हम लोग, प्रॉफिट्स के देखें अगर हम इस क्वार्टर में, दैट इज़ 6337, जो पिछले क्वार्टर में 3944 था, और जो पिछले साल 148 थी। तो आप कह सकते हो कि इस कंपनी ने ऑलमोस्ट पाँच गुना नंबर दिखाए हैं इस बार, और अच्छा खासा जंप है प्रॉफिट में। और अगर एक्सेप्शनल आइटम्स को अंदर काउंट कर दें तो प्रॉफिट जो है थोड़ा सा डिक्रीमेंट करता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज़ 5951, जो कि पिछले क्वार्टर में 3941 था, जो कि पिछले साल 174 था, क्योंकि पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम्स जो है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बेसिकली हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स ही कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर को, तो ये कॉलम हमने चेक करना है इस बार। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है इनके नंबर्स में। 6337, जो कि पिछले क्वार्टर में 3944 था, और लास्ट ईयर जो था इसी मार्च के महीने में 1483 था। तो हम कह सकते हैं कि इसको इसके लगभग लगभग पाँच गुना इनके नंबर्स हैं, जो कि प्रॉफिट में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है। अगर EPS का अनुमान देखें, इसका अर्निंग पर शेयर का अनुमान देखते हैं, तो अनुमान जो था कुछ और ही था, और एक्सपेक्टेशन पे एक से सीधा 16 गुना एक्सपेक्टेशन की खड़ी उतर गई कंपनी ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इन्होंने अच्छा खासा जंप किया है, 11 से 16 पे जंप किया। तो आप कह सकते हो कि कंपनी ने अच्छा खासा EPS भी शो किया है, तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, सेटिस्फाइंग नंबर्स हैं। अब कल देखते हैं कि मंडे को देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस नंबर के हिसाब से। अगर हम देखें मार्केट में क्या चल रहा है इनके क्वार्टर के नंबर के बाद, आज का क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला था, अब कह सकते हो कि मार्केट ने अनुमान नहीं लगाया होगा, और 697 पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि 0.37 की बढ़ोतरी पर अगर 5 दिन में हम देखें इसको, तो ये सर्किट्स ऑलमोस्ट डाउन ही चल रहा है स्टॉक 0.2%। एक महीने का अगर हम देखते हैं इसको, तो 8% का रिटर्न 6 महीने अगर आप देखोगे। तो अभी आपको पता है कि स्टील की कंपनीज, मेटल की कंपनीज में जितने भी मेटल के शेयर्स हैं सब में अच्छी खासी रैली चल रही है, 106%। और अगर एक साल का अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, तो अच्छे खासे 3 गुना कर दिया है पैसों को एक साल के अंदर। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देखें, आपको पता है ये कंपनी कंसोलिडेशन स्टेज में थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन स्टेज होता है, तो झेलना आना चाहिए यार आपको इस कंपनी के अंदर, क्योंकि मेटल के शेयर्स हैं। मेटल के शेयर्स में आपको पता है एक टाइम होता है जब मेटल के शेयर्स में तेजी होती है,
और लॉन्ग टर्म में तो कोई भी शेयर अच्छा ही रहता है, बट सभी शेयर्स की बात करें अगर सभी शेयर्स अच्छे नहीं होते हैं, बट इस कंपनी ने अच्छे नंबर्स शो किए हैं तो आप इसके अंदर बने रह सकते हो। और जब तक इसमें तेज़ी है तो आज तक जो भी निवेशित जिन्होंने निवेश करके रखा हुआ है इस कंपनी में उनको 1686% का रिटर्न ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों। बाय बाय, टाटा, सी यू, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।